अप टू 700%। अल्लाह से सौदा करके तो देखें, हमें इंश्योरेंस पे ज्यादा ट्रस्ट है। अगर आपकी दुकान से अल्लाह के किसी गरीब बंदे का घर चलता हो तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, आपकी दुकान में आग नहीं लगेगी। मियो हॉस्पिटल, गुलाब देवी, किंग एडवर्ड, यू क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंस, समथिंग जो कि आपकी जिंदगी के बाद भी चलेगी। ये है कामयाबी से, रियल कामयाबी सिग्निफिकेंस की है, सक्सेस की नहीं है। द इम्पैक्ट यू क्रिएट। कभी नाम सुना इस चीज का? इसके क्या मायने है? टाइथ के क्या मायने है? टाइथ जी, ये एक्चुअली टाइथ कहते हैं, ओरिजिनल वर्ड जो है, 10% तमाम क्रिश्चियंस अपनी इनकम का चर्च को दिया करते थे। सो 1/10 ऑफ द एनुअल प्रोड्यूस और अर्निंग्स फॉर्मली टेकन एज अ टैक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द चर्च, उसका नाम है टाइथ। गिविंग गॉड द फर्स्ट 10th ऑफ योर इनकम, फर्स्ट 10th, नॉट द लास्ट 10th। लाख रुपया कमाया, 10,000 रुपया अल्लाह को दे के बकाया 90,000 घर लेके जाओ, फर्स्ट 10th। ये जो इतनी डोनेशनें आती है ना, अभी आपको पता है यूएन ने, यूएसएड ने, यूएन ने, डीपी ने ये अपील की थी, तो ये पैसा जो डोनेशन में आता है यूएन के पास, वो कहां से आता है? कॉरपोरेशन से आता है, कंपनियों से आता है। हम में से कितने, हम तो 2.5% ज़कात के बारे में इतने कंजूस है ना, कि हमें 2.5% ज़कात भी महंगी पड़ती है। और वो लोग हैं जो कि 10% अपने इनकम का, हम 2.5% सेविंग्स पे नहीं दे सकते, ज़कात सेविंग भी होती है, वो अपनी इनकम कमाई पे 10% देते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आप सोचें, पाकिस्तान में सैलाब आए, किस इस्लामी मुल्क ने आपको डोनेशन भेजे? नहीं देती। तो ये आई थिंक ये सोचने वाली बात है कि आप चले जाएं किसी भी, यहां मैं इस कराची में पारसी कम्युनिटी होती थी, अब तो बहुत कम रह गए, वो अपने सारी इनकम का 10% एक इकट्ठे जगह पे डालते थे अपने गरीबों के लिए। ये एक मुसलमान को स्यापा है जिससे 2.5% ज़कात भी नहीं दी जाती, 10% इनकम का देना तो दूर की बात है। तो जरा कभी सौदा करके देखिए अल्लाह सुभान ताला के साथ, ये पार्टनरशिप जरा करके देखिए आप, सिर्फ 10%, अल्लाह आज के बाद जो कमाऊंगा 10% तेरे नाम का। मैं ये कह रहा हूँ जी, चले ये 1% भी है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप चले 10% तो है, 5 से शुरू कर दें। चले अगर आपको ईमान ही नहीं, आपको 1%, ये भी एक टेस्ट है ना कि आपको 1% महंगा लगता है। हाँ, ये तो कुरान में लिखा हुआ, तिजारत करो, कुरान में लिखा हुआ, अल्लाह से तिजारत करो। कितनों को समझ आती है बात? तो फिर ठीक है, ना करो तो भुगतो। आपको सोचें, अगर अल्लाह को बताओ इसके हर काम में से इतने परसेंट अल्लाह के काम पे चले जाने हैं, तो अल्लाह उस काम में नुकसान होने देगा? कभी काम रुका हो, कभी सोचें, कभी ये अल्लाह से मन्नत मान के देखें, अल्लाह ये काम कर दे, इतना परसेंट तेरा गरीबों के नाम। अल्लाह तो चाहता है आप गरीबों की मदद करें, अल्लाह ने आपके थ्रू ही तो इस दुनिया में गरीबों की मदद करवानी है।
लेकिन कभी हमारी गुठी के अंदर ये बात नहीं आएगी। वो बिल गेट्स से किसी ने पूछा ना कि यार यू आर लूजिंग मनी, अब साथ है उसके पैसे अब कम हो रहे हैं और कंपनियां आगे आ रही हैं, तो वो कहता है कि नहीं दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी कि अब मैं टॉप 20% अमरीका के रिचेस्ट, ये दुनिया के रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में आता भी होंगे या नहीं आता, आई डोंट रियली केयर। वो कहता है मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा होने के बावजूद मुझे अगर सुकून नहीं है जिंदगी में, खुशी नहीं, आपको उसकी डाइवोर्स हो गई, कहते व्हाट डू आई डू विद इट, बांट के जाना। मैं हमारे में क्या मसला है, हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, उनके दिमाग में आती है। हम कहते हैं बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, सारे अगे पीछे सजे खबे ताने लोग याद आ जाते हैं। कभी ये सोचा है कि भाई ये तो अल्लाह ने आप पे जिम्मेदारी नहीं लगाई हुई। एक तरफ है वो लोग जिनके ऊपर कोई विरासत नहीं है, और एक तरफ आप हैं जिन पर अल्लाह ने विरासत भी दे दी है। इसका मतलब है कि आपको ये भी बाउंड कर दिया है कि आप सारे पैसे भी अपनी जिदाद में से अल्लाह को नहीं दे सकते, विरासत वालों को उनका हक दिए बगैर। क्योंकि अल्लाह सुभान ताला फिर भी उनका ख्याल कर रहा है, सारे आपसे नहीं ले लिए जबकि पता आपने इधर ही छोड़ के जाने, तो कम से कम जो उसका हिस्सा है वो तो दे दो यार, जो आपका हिस्सा है वो तो दे दो। आपका हिस्सा 1/3 आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं विरासत में से निकाल के, 2/3 बांट दें विरासत के लिए छोड़ दें, 1/3 अपने लिए जो है वो तो किसी अल्लाह के नाम पे सदका कर दो, वो तो किसी चैरिटी को डोनेट कर दो, वो तो किसी गरीब का भला कर दो। वो आपकी औलाद ने तो जाके नहीं आपकी कब्र पे आना, कम अज कम वही आपको बचाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही औलाद ने वही करना है ना, हाँ ऐसे ही करेंगे, औलाद ने वही हरकतें करनी है जो कि सारी हराम की लोग कमाई पे लोग करते हैं। और वो फिर आपके लिए सदका क्या, फिर कि आपके लिए वो अजाबे जारिया बनेगा। सो ये इसे कहते हैं जी टीथिंग, टाइथिंग, टाइथिंग कहते हैं इसको, कि अल्लाह के लिए अपनी इनकम का पहला 10% वक्फ कर दे, सारी जिंदगी इस सौदे में कभी आपको नुकसान नहीं होगा, किसी सौदे में नुकसान नहीं होगा। सो हमें ये भी नहीं पता कि अल्लाह की ये शान के खिलाफ है कि अल्लाह आपके पैसे में से कुछ ले। अल्लाह तो आपको ये याद दहानी करवा रहा है कि जो तुम्हें मिला हुआ है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरे पैसों में से ये उसको दे दो। हमें ये भी समझ नहीं आती क्योंकि दुनिया ने हमें ये बताया तेरा पैसा, तेरा जिस्म, तेरी मर्जी, तेरी कमाई। अल्लाह तो ये मानता ही नहीं। अल्लाह कहता है मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें उस दिन के आने से पेश था जिस पर ना सौदा होगा ना दोस्ती, हमारे दिए हुए माल में से खर्च करो। मैंने तुम्हें दिया है और मैं कह रहा हूं भाई इसमें से 10% उधर दे दो, आपसे वो भी नहीं होता, फिर भी आपको अल्लाह ये कह रहा है 90% मैंने तुम्हें दिया हुआ, 90% अपने पास आ गया, 10% दे दो। क्योंकि हमें ये तरबियत में शामिल ही नहीं किया, हमारे माँ बाप ने ये बताया ही नहीं ये माल तेरा नहीं है, तुमसे ज्यादा मेहनती लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, ये अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ही ये कह रहा है कि मैंने तुझे दिया है इसमें से इतने उसको दे देना, गरीबों को दे देना। और अल्लाह सुभान ताला ने यह भी वादा किया है इन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं ऐसी है जैसे एक दाना ये उगाए 7 बाले और हर बाल में हो 100 दाने, अप टू 700%। अल्लाह से सौदा करके तो देखें, हमें इंश्योरेंस पे ज्यादा ट्रस्ट है। अगर आपकी दुकान से अल्लाह के किसी गरीब बंदे का घर चलता हो तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, आपकी दुकान में आग नहीं लगेगी। मैं कहता ना पूरे का पूरा सिस्टम जो अनसा चलता है वो इसी खौफ पे चलता है और रिलीजन से दूरी पे चलता है।
एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, वो खुद अपने जो चलाने वाले हैं वो कभी पब्लिक में नजर आ जाए तो 10 साल के बाद किसी की तस्वीर आ जाए तो परेशानी हो जाती है, ओए उनका बेटा सड़क पे नजर आया। एंड दे कंट्रोल द वर्ल्ड, दे आर मल्टाई, दे आर ट्रिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स। भाई वो ट्रिलियनियर हो के वो क्या कर रहे हैं? वो क्या बुर्ज खलीफा बना रहे हैं? वो क्या एयरलाइंस खरीद रहे हैं? क्या वो कसिनो में जा रहे हैं? क्या वो बीचों में जा रहे हैं? क्या वो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं? किधर है वो तो नजर ही नहीं आते। और ये हम जैसे लोग हैं जिनको लगाया हुआ फैशनों में, सोशल मीडिया पे, गाड़ियां बदलने में हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, मोबाइल 7 साल बाद बदलो, होटलिंग करो, याशी करो, छलांगे मारो। सो आई थिंक दिस इज यू नीड टू लुक इनटू कि वो लोगों की जिंदगी क्या है जो के दुनिया में चलाते हैं, जिनके पैसे शायद हमें ये भी ना पता हो कि बिलियन और ट्रिलियंस के अंदर सिफर कितने होते हैं। दिस इज हाउ दे आर एंड व्हाई व्हेन यू हैव सो मच यू डोंट रियली केयर अबाउट इट, यू अंडरस्टैंड। कहते ना नीचे वाला जो बंदा है ना उसको दूर के ढोल बहुत सहाने लगते हैं, ऐसे लगता है हाय पैसा आ गया मेरी जिंदगी बदल जानी है। कुछ और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपको स्टेज से बाहर निकाल, ताकि आपकी आंखें कुछ और भी खुल जाएं, या पेट खाली हो ना कुछ नजर नहीं आता। तो हम सारे उस मुल्क की हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पे पेट खाली है। ये पेट भरेंगे तो कुछ और नजर आना शुरू होगा आपको। हम पारा पेट ही नहीं भरता, हम मलक रियाजों के जैसों का भी पेट नहीं भरता। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, कभी कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, वो अपना नुकसान नहीं करेगा, किसी का भी नहीं करेगा, कभी कभी नहीं हो सकता। सब हदीस भरी हुई है, और वो कंपनियां इतना इतनी ज़कात खराब करती हैं आपके सामने, दुनिया के सारी एजेंसियां, ये डिफरेंट एड, ये डिफरेंट एड कहाँ से आती है? यूएस एड कहाँ से आती है? जर्मन एड कहाँ से आती है? जापान एड, जाइका कहाँ से आती है? उन्होंने दिमाग खराब है थोड़े बच्चों को स्कॉलरशिप दें। कभी किसी मुसलमान, कभी शेख फैसल, ये क्या नाम था फैसल, और ये अन्यान, इन्होंने भी कभी स्कॉलरशिप शुरू किया आज तक? हाँ, इन्होंने कभी स्कॉलरशिप शुरू की? इनको हया है इन लोगों को, इसीलिए कहा जाता है ना वैदुल्ला रब, इनके साथ जो होना है दुनिया देखेगी कि इन्होंने अल्लाह के निजाम का सत्यानाश कैसा किया। सो आइंस्टाइन कहता था ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू। जब आप सक्सेसफुल बनते हैं तो जब आप मर गए तो खत्म होगी कामयाबी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू है तो आपकी वैल्यू मरने के बाद ही बरकरार रहती है। तो जिंदगी में ना जैसे मासलो की हायरार्की है ना, उसी तरह ना एक ग्रोथ की हायरार्की है, जैसे नीड्स की हायरार्की है उसी तरह एक ग्रोथ की हायरार्की है। तो ये शायद आपको सारे का सारा कट्ठा एक जगह पे नजर आए, आपको समझ आ जाए। देखें सबसे नीचे हमारी जो नीड है सर्वाइवल, एक नया बंदा काम शुरू करता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, जॉब ढूंढता है या बिजनेस शुरू करता है, उसका काम होता है मैं सर्वाइव कर जाऊं किसी तरीके से, मेरा बिजनेस सर्वाइव कर जाए, मेरा पैसा बच जाए, डूब ना जाए। लेकिन ये एक टेम्परेरी स्टेज, बड़ी जल्दी इससे बाहर आपको आना चाहिए ताकि आपका बिजनेस में कुछ सिक्योर हो जाए। जब आपका बिजनेस सिक्योर होता है फिर अगली स्टेज आती है कि आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, अब आपको हर साल प्रॉफिट आपको पता नहीं आना है, उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। वेयर यू कैन प्लान कि जी 25% ग्रोथ आपको हर साल आ ही रही है, बिजनेस स्टेबल हो चुका है, अपने खर्चे पूरा उठा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू हैव द सक्सेस। काम आप यानी कि मटीरियल दुनिया में आपको मटीरियल रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं,
अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको पाकिस्तान में कितने जनरलों के नाम आते हैं, दुनिया में कितने अमीरों के नाम आते हैं जो मर चुके हैं, बोले? क्योंकि वो अपने दौर के कामयाब लोग थे, लेकिन उनकी कामयाबी मरने के बाद खत्म हो गई। तो वो जो आइंस्टाइन कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डू समथिंग सिग्निफिकेंट, कामयाबी तो तुम्हें मिल ही जानी है, ये कामयाबी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये बाई प्रोडक्ट है। मैं एक अच्छा किसी कंपनी का, आई एम अ गुड यू नो सीईओ, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर माय शेयर होल्डर्स, तो मुझे तो हिस्सा मिल ही जाना है, आई डोंट हैव टू वरी। एज लॉन्ग अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट का वॉच कर रहा हूं, तो मुझे अपने इंटरेस्ट तो वॉच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट मेरे शेयर होल्डर वॉच करेंगे, क्योंकि मैं उनके इंटरेस्ट शेयर वॉच कर रहा हूं। तो अल्लाह भी तो यही कह रहा है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपना इंटरेस्ट वॉच करो, तुम अपने शेयर होल्डर का इंटरेस्ट वॉच करो, तुम्हारा इंटरेस्ट मैं वॉच कर रहा हूं ना। सो डू समथिंग विच ओवर लास्ट यू, यानी कि सक्सेस के बाद लोग कहते हैं ये जो बिल गेट्स ने जो कहा है, मैं क्या करूं उस पैसे को। यू स्टार्ट हैविंग दोज क्वेश्चंस जो के खाली पेट वाले को नहीं आता, उसको ये सवाल आएगा ही नहीं। जो सुबह मैं जब मैं आपको सुनाया वो हंस रहा था मैं कि जी अगर पैसे को खर्च नहीं करना तो की करिए, मुझे वो हंसी मुझे इस वजह से आती है कि जिसको जिसको जिसने खाना नहीं ना खाया हुआ, वो समझता है कि पता नहीं इस होटल में खाना कैसा होगा, काश मैं इस होटल का खाना खा लूं। वो जो ऊपर नहीं ना चढ़ा हुआ, वो कहता है उत्ते पता नहीं की है, उत्ते चीख चीख के कह रहे होते कुछ नहीं है। थल्ले वाला हर बंदा कह रहा है झूठ बोलता है, आप चढ़ गए, आप चढ़ गया मैं तो नहीं चढ़न देता। तो फिर तंग आ गए उत्ते, तू आप आगे देख ला, अब आप 30 साल लगाएंगे उत्ते चढ़न वास्ते, उत्ते जाके फिर तू समझ वही कह रहे हो तो कुछ ही नहीं है। उत्ते तो यार वाकई कुछ नहीं है, मैं 30 साल जाया कर देते। तो ये बिल गेट्स भी वही कह रहा है जो बिल गेट्स से पहले वाले कह चुके हैं, और जो बिल गेट्स के बाद वाले कहेंगे उतने तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ वो है सिग्निफिकेंस, वो है सिग्निफिकेंस। मियो हॉस्पिटल, गुलाब देवी, किंग एडवर्ड, यू क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंस, समथिंग जो कि आपकी जिंदगी के बाद भी चलेगी। ये है कामयाबी से रियल कामयाबी, सिग्निफिकेंस की है, सक्सेस की नहीं है। द इंपैक्ट यू क्रिएट,